Science virtual class. Today we'll continue our chapter with the topic digestion. The food that we eat cannot be directly used by our body. It has to be first broken down into simpler substances. जो हम खाना खाते हैं वो directly हमारी body के through used नहीं होता है. सबसे पहले वो simpler substances में broken down मतलब कि टूटता है. The process by which food is broken down into simple substances is called digestion. वो process जिसमें food पहले simple substances में टूटता है उसको बोलते हैं digestion. Different organs such as mouth, stomach and intestines together make up the digestive system. तो digestive system किस किस से मिलके बनता है? Mouth, stomach and intestines. So first is digestion in the mouth. Digestion begins when we put food into our mouth. Digestion कहाँ से start होता है? जब सबसे पहले खाना अपने मुँह में डालते हैं. The front teeth break down the food into smaller pieces. The back teeth grind the food while chewing the food. The saliva मतलब थूक present in our mouth mixes with the food. It makes the food moist and soft. सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं. उसके बाद जो हमारे पीछे के दांत होते हैं वो उसको ग्राइंड कर देते हैं और उस खाने को चबाते हैं. फिर जब खाने को चबाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो खाने के साथ मिक्स हो जाता है. वो हमारे खाने को मॉइस्ट और सॉफ्ट बना देता है. हमारी टंग चबाए हुए खाने का एक स्मूथ बॉल बना देती है और फिर उसको फूड पाइप में पुश कर देती है. Now next is digestion in the stomach मतलब पेट में. The food reaches the stomach through the food pipe. खाना food pipe के through stomach में पहुंचता है. The stomach is a hollow bag made of muscles. It contains digestive juices which further break down the proteins present in the food into a simpler substances. Stomach में digestive juices होते हैं जो खाने में protein को simpler form में तोड़ देते हैं. Food remains in the stomach for about 4 hours. Now, digestion in the small intestine. From the stomach, food goes into a long colloid tube called the small intestine. Stomach se khana small intestine mein chala jata hai. The juices secreted by the small intestine and the special digestive juices produced by the liver and the pancreas break down the food further to complete the process of digestion. इसमें लिवर स्पेशल डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है और पेनक्रियास डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है. द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. इट इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द ब्लड देन कैरीज द डाइजेस्टेड फूड विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी. और फिर ब्लड जो डाइजेस्टिव फूड है उससे असेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए वो बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है. नेक्स्ट इज अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना पचता नहीं है. सम पार्ट ऑफ द फूड सच एज फाइबर्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी. दे पास अनडाइजेस्टेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो बिना पचा हुआ खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड. द रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. नेक्स्ट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. हेयर आर सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. वी शुड फॉलो दीज हैबिट्स सो डैट आर डाइजेस्टिव सिस्टम कीप्स वर्किंग प्रॉपरली. हमें ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर सके. वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ऑल मील्स. आपको पता है खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ ज़रूर धोने चाहिए साबुन से. ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे. ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली. खाने को पूरा चबा कर खाएँ. डू नॉट ओवर ईट. Do not drink water during meals. खाना खाते हुए पानी बिल्कुल ना पिएं. एक घंटा पहले या खाने के एक घंटा बाद ही पानी को पिएं. Rinse your mouth after eating anything. Do not exercise or play immediately after eating. खाने के तुरंत बाद ना ही खेलना चाहिए और ना ही एक्सरसाइज करनी चाहिए. Eat a balanced diet that contains all the nutrients. And the next topic is microbes. We have learned that after eating, we should clean our mouth and teeth properly. Not doing so results in the growth of tiny organisms called bacteria. अगर हम अपना मुंह और अपने दांत अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं बैक्टीरिया.
These are many such tiny organisms all around us. These tiny organisms are called microbes. ये छोटे छोटे जो organisms हैं इनको microbes बोलते हैं. They cannot be seen with the naked eyes. They grow rapidly in warm and moist weather. Some microbes are helpful. कुछ microbes तो बहुत helpful होते हैं while others cause diseases. जबकि कुछ के कारण हमें बीमारियाँ हो जाती हैं. The disease causing microbes are called germs. There are mainly four types of microbes. Microbes mostly चार तरह के होते हैं. चलिए पढ़ते हैं. So first is bacteria. They are single-celled organism. They are found everywhere and in almost everything. Diseases such as typhoid and pneumonia are caused by bacteria. Next is viruses. They are smaller than bacteria. ये bacteria से छोटे होते हैं. Diseases such as chickenpox, dengue, polio, flu and common cold are caused by viruses. Next is fungi. They grow on decaying matter. Fungi can also cause disease such as ringworm. Next is protozoa. They are also single-celled organism. Protozoa are also known as little animals. इनको little animals भी बोलते हैं. They cause diseases such as malaria and dysentery. चलिए अब कुछ useful microbes के बारे में पढ़ते हैं. Some microbes such as bacteria and fungi can also be useful to us. First, bacteria. The useful bacteria change milk into curd. They help in the digestion of roughage in animals. They produce vitamins in our body. They help in the decay of dead plants and animals. अब पढ़ते हैं कि फंगी कैसे यूजफुल है हमारे लिए. दे आर यूज इन मेडिसिन और ये ब्रेड और बिस्किट्स बनाने में भी यूज होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.